हेलो बच्चों, मैं नीरज सर, ये क्लास वन के बच्चों के लिए है मैथ। तो चलिए बच्चों, हम मैथ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक आप लोग का हो चुका था। ये सब आप लोग का हो चुका है, इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये सब आप लोग का हो चुका है, ये सब भी आपका हो चुका है। ये सब देखिए, ये सब आपका हो चुका है। देखिए हम लोग यहाँ पे थे, ये आपको कॉपी में बता दिए थे पिछले वीडियो में, इस बार हम बुक में ही बता देते हैं आप लोग को, ताकि कोई दिक्कत ना हो। हेडिंग देखिए, करें प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए टू डिजिट नंबर, एवरी डिजिट हैव ए प्लेस वैल्यू। करें टू वो डिजिट नंबर, उसका पहला जो रहता है वो क्या है, दोनों जो है वो क्या है, प्लेस वैल्यू है। नाइन स्टैंड फॉर नाइन मंथ्स और नाइन जो है, फिर थ्री स्टैंड फॉर थ्री टेंस बराबर 30। यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू फॉर द फ्लोइंग डिजिट। राइट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू फॉर द फ्लोइंग डिजिट। करें नंबर 29 प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हो गया। देखिए ये इसको हम लोग बोलते हैं वंस, पहले वाले एथी को हम लोग बोलते हैं वंस, सेकेंड वाले को बोलते हैं टेंस, फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं वंस, सेकेंड वाले को बोलते हैं टेंस। अब हम लोग जानिए, देखिए यहाँ पे ये जो वंस के स्थान पर कितना है, नाइन। वंस जो होता है वन से नाइन तक ही होता है, उसमें कोई चेंज, वंस में जितना दिया हुआ रहेगा उतना ही लिखाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। टेंस के स्थान पर है 20, एक टेंस बराबर 10 होता है, वन टेंस बराबर होता है 10, तो टू टेंस बराबर 20, थ्री टेंस। देखिए यहाँ पे हम कुछ लिख के आप लोग को बता देना चाहते हैं, यहाँ से मैथ में देखिए, वन टेंस बराबर 10, टू टेंस बराबर 20, थ्री टेंस बराबर 30, फोर टेंस बराबर 40, फाइव टेंस बराबर 50, सिक्स टेंस बराबर 60, उसके बाद सेवन टेंस 70, एट टेंस 80, नाइन टेंस, माने जितना टेन टेंस, जितना टेंस रहेगा ना उसमें क्या होगा, टेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितना रहेगा उसमें टेन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना टेंस रहेगा उसमें हम लोग टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे हम लोग देखिए, ये तो आप लोग का बता दिए, इसमें देखिए टू के स्थान, टेंस के स्थान पर कितना है, टू, तो टू टेंस हो गया, तो टू टेंस बराबर कितना हो गया 20, तो यहाँ पे हम 20 लिख दिए, तो नाइन और टू। फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, फेस वैल्यू नाइन था तो यहाँ नाइन लिख दिए, टू था तो टू लिख दिए, फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर फाइव टू है, यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यू, तो वंस के स्थान पर कितना है, तो टू, तो यहाँ पे हम लोग टू कर दिए, वंस के स्थान पर कितना है टू, तो यहाँ पे हम लोग टू कर दिए। टेंस के स्थान पर कितना है फाइव, टेंस के स्थान पर कितना है फाइव, फाइव टेंस, तो बराबर फाइव टेंस बराबर कितना हो गया 50, फाइव टेंस बराबर कितना हो जाएगा 50, फाइव टेंस बराबर हो गया 50, तो यहाँ हो गया 50। फेस वैल्यू में क्या हम बोले कि कोई चेंज नहीं होता है, फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, टू यहाँ फाइव, टू और यहाँ पे हम कर दिए फाइव, ये तो आपका बन गया। उसके बाद देखिए नंबर सेवन थ्री प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, देखिए वंस के स्थान पर कितना है थ्री, वंस के स्थान पर कितना है थ्री, तो यहाँ पे हम कर देंगे थ्री, यहाँ पे हम कर दिए थ्री। टेंस के स्थान पर कितना है सेवन, तो सेवन टेंस बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग को हम बताएं कि वन टेंस बराबर होता है 10, टू टेंस बराबर 20, माने जितना दिया हुआ रहेगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
जितना दिया हुआ रहेगा उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 टेंस बराबर कितना हो जाएगा 70, 7 टेंस बराबर होगा 70। तो यहाँ फेस वैल्यू कितना हो गया 3। क्या बोले, फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। 3 या 7 है तो यहाँ हम कर दिए 7, 3 7 है तो हम यहाँ पे कर दिए 7। उसके बाद देखिए नंबर 3 4 है, 3 4 ये नंबर हो गया। उसके बाद प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, देखिए ये कितना है, वंस के स्थान पर कितना है 4, वंस के स्थान पर कितना है 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख दिए। टेंस के स्थान पर कितना है 3, तो 1 टेंस में कितना होता है 10, तो जितना टेंस रहेगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करता है, 10 3 जा 30, तो यहाँ पे हो गया 30, यहाँ पे हो गया 30। यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, तो 4 का 4 और 3 का 3, 4 था तो 4 लिख दिए, 3 था तो 3 लिख दिए, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ तक हम आपको बता दिए, यहाँ तक आप लोग को हम बता दिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे है 7 4 7, तो 7 वंस है, तो वंस के स्थान पर 7 है, तो क्या उसको हम वही लिख देंगे, क्योंकि वंस में जितना रहता है उतना ही लिखा जाता है। टेंस के स्थान पर देखिए कितना है 4, टेंस के स्थान पर है 4, तो 1 टेंस बराबर कितना होता है 10, तो 4 टेंस बराबर कितना हो जाएगा 40, 4 टेंस बराबर हो जाएगा 40, तो यहाँ पे 40 कर दिए। फेस वैल्यू में आप लोग को फिर हम एक बार करें कि उसमें कोई चेंज नहीं होता है, फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, तो यहाँ 7 है तो हम कर दिए 7, यहाँ 4 है तो यहाँ हम कर दिए 4 7 4, ये आपका बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 9 3 9 3 9, देखिए प्लेस वैल्यू 9 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, वंस के स्थान पर है तो वंस तो हो जाएगा 9 ही, टेंस के स्थान पर कितना है 3, तो इसका कितना हो जाएगा 1 टेंस में हो जाता है 3, तो 2 टेंस बराबर 20, तो 3 टेंस बराबर 30, तो यहाँ पे हम कर दिए 30, यहाँ पे हम कर दिए 30। तो यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू में ज्यों का त्यों रह जाता है, फेस वैल्यू में जो रहता है वही रह जाता है, तो फेस वैल्यू यहाँ कितना है 9, तो हम कर दिए 9, ये कितना है 3, तो हम कर दिए 3 9 3 9 3, ये आपका बन गया। इसके बाद देखिए नंबर 2 6 है, 2 6, तो 6 वंस के स्थान पर 6 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 6 ही, यहाँ पे हम लिख देंगे 6, टेंस के स्थान पर कितना है 2, तो 1 टेंस बराबर 10, तो 2 टेंस बराबर 20, क्योंकि जितना रहता है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 टेंस बराबर हो गया 20। तो फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, तो यहाँ 6 है तो हम 6 कर देंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ हम 2 कर देंगे, यहाँ 6 था 6 कर दिए, यहाँ 2 था 2 कर दिए। इसके बाद आगे देखिए आप लोग, इतना आपको हो गया। उसके बाद एक थोड़ा आगे क्वेश्चन एक थोड़ा है, कराया है 1 1 के स्थान पर कितना है 1, तो यहाँ पे हम कर दिए 1, टेंस के स्थान पर कितना है 6, तो 6 टेंस बराबर कितना हो जाता है 60 6 टेंस बराबर हो जाता है 60, 1 टेंस बराबर 10, तो 6 टेंस बराबर 60, तो हम लिख दिए 60, यहाँ पे हम लिख दिए 60। देखिए तो फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं, यहाँ 1 है तो हम कर दिए 1, 6 है तो यहाँ पे हम कर देंगे 6, 1 था तो 1 कर दिए, 6 है तो यहाँ पे हम कर दिए 6। तो बच्चों आप लोग एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, एक चीज़ जान लीजिएगा, जितना टेंस के स्थान पर जितना रहेगा उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टेंस के स्थान पर जितना रहेगा उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ फेस और वंस के स्थान पर रहेगा उतना ही लिख देंगे। फेस वैल्यू में आप लोग जान लीजिए कोई चेंज नहीं होता है, फेस वैल्यू जो है
उसमें आप लोग का कोई चेंज नहीं होता है, जितना दिया हुआ रहेगा उतना ही वो लिखा जाता है। ये तो आप लोग का हो गया, बुक में हम कर दिए। उसके बाद आगे देखिए, एक्सपेंडेड फ्रॉम ऑफ है नंबर्स, वो एक्सपेंडेड फ्रॉम ऑफ है नंबर्स। चलिए हम इसको आगे आपको कॉपी में हम बता देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ये तो आपको हम बताए थे। उसके बाद देखिए यहाँ से है, आज का डेट डाल देंगे हम, ट्वेंटी सेवन। मैथ है तो यहाँ पे मैथ लिख देंगे। हेडिंग में क्या, एक्सपेंडेड पेंडेड फ्रॉम ऑफ ए नंबर, एक्सपेंडेड फ्रॉम ऑफ ए नंबर। देखिए फिन कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे 16 खाली स्थान है, टेंस है एंड खाली स्थान है, वंस है फर्स्ट सेकंड। देखें 75 खाली स्थान है, टेंस है एंड खाली स्थान है, वंस है। थर्ड देखिए 80 खाली स्थान है, टेंस है एंड खाली स्थान है, वंस है। उसके बाद देखिए 43 खाली स्थान है, टेंस है एंड खाली स्थान है, वंस है। उसके बाद देखिए 79 खाली स्थान है, टेंस है एंड खाली स्थान है, वंस है। उसके बाद यहाँ देखिए 625 खाली स्थान है, टेंस है एंड खाली स्थान है, वंस है। 7 देखिए 68 खाली स्थान है, टेंस है एंड खाली स्थान है, वंस है। 850 खाली स्थान है, टेंस है एंड खाली स्थान है, वंस है। 997 खाली स्थान है, टेंस है एंड खाली स्थान है, वंस है। 1041 खाली स्थान है, टेंस है एंड खाली स्थान है, वंस है। ये आप देख रहे हैं किस तरह से हम इसको आपके सामने उतार दिए हैं। अब इसको हम बनाएंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ताकि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। देखिए 16 10 16, वंस के स्थान पर कितना है, पहला वाला वर्ड्स होता है वंस का, वंस हो जाता है। अब सेकंड वाला टेंस, वंस के स्थान पर कितना है 6, तो यहाँ पे हम 6 भर दें, टेंस के स्थान पर कितना है 1। बच्चों देखिए 26 मान लिया लिखे ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वाला को वंस, 26 में फर्स्ट वाला को वंस बोलते हैं और सेकंड वाले को टेंस। तो देखिए वंस के स्थान पर कितना है 6, टेंस के स्थान पर 1। उसके बाद देखिए 75 है, तो वंस के स्थान पर कितना है 5, टेंस के स्थान पर कितना है 7। वंस के स्थान पर 5, टेंस के स्थान पर 7। उसके बाद देखिए थर्ड है, वंस के स्थान पर कितना है 0, टेंस के स्थान पर कितना है 8। वंस के स्थान पर है 0, टेंस के स्थान पर है 8। उसके बाद देखिए
वंस के स्थान पर कितना है थ्री, तो यहाँ हम थ्री लिख दिए। टेंस के स्थान पर कितना है फोर, तो यहाँ हम फोर लिख देंगे। उसके बाद देखिए वंस के स्थान पर कितना है नाइन, टेंस के स्थान पर कितना है सेवन, वंस के स्थान पर कितना है फाइव, टेंस के स्थान पर कितना है टू, वंस के स्थान पर एट, टेंस के स्थान पर है सिक्स, वंस के स्थान पर है जीरो, टेंस के स्थान पर है फाइव। इस तरह से आपका बनेगा वंस के स्थान पर है सेवन, टेंस के स्थान पर है नाइन, वंस के स्थान पर है वन, टेंस के स्थान पर है फोर। इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट वाला वर्ड जो फर्स्ट वाला जो नंबर होता है वो होता है वंस, सेकेंड वाला हो जाता है टेंस, अगर थर्ड थ्री को रहता है तो हो जाता है हंड्रेड। फर्स्ट वाला वंस, सेकेंड थर्ड टेंस, थर्ड वाला रहता है तो हो जाता है हंड्रेड। तो इसी में देखिए दो को ही था वंस और टेंस। इसमें फर्स्ट वाले को हम लोग वंस बोलते हैं तो वंस के स्थान पर हम सिक्स भर दिए, सेकेंड वाले को टेंस बोलते हैं तो टेंस के स्थान पर हम वन भर दिए। इस तरह से हम इसको आपको सामने बना दिए, इस तरह से इसको हम आपके सामने बना दिए हैं। उसके बाद देखिए इधर देखिए ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए राइट द नंबर, राइट द नंबर्स। फर्स्ट है वन टेन एंड फाइव, वंस बराबर प्लस खाली स्थान बराबर खाली स्थान, सिक्स टेन एंड वंस बराबर टेन प्लस खाली स्थान बराबर खाली स्थान। थर्ड देखिए टू टेंस, फोर वंस बराबर फोर देखिए फाइव टेंस एंड थ्री वंस बराबर फोर टेंस एंड सिक्स देखिए सेवन टेंस एंड फोर वंस बराबर एट देखिए थ्री सिक्स के बाद सेवन देखिए टेंस एंड फाइव वंस बराबर बराबर इतना एट देखिए एट टेंस एंड एट वंस बराबर ये सब देखिए आपका बना दिए हैं बॉक्स। तो यार आपका टेंस के स्थान पर कितना है वन, वन टेंस बराबर हो गया टेन, वंस के स्थान पर फाइव तो आ जाएगा फिफ्टी, सिक्स टेंस के स्थान पर कितना है सिक्स, तो सिक्स टेंस बराबर कितना हो गया सिक्सटी, वंस के स्थान पर फाइव सिक्सटी फाइव, वंस के स्थान पर कितना है फोर, फोर टेंस के स्थान पर कितना है तो टू टेंस बराबर कितना हो जाएगा ट्वेंटी, तो ट्वेंटी फोर। जितना टेंस रहेगा उसमें हम लोग टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना टेंस रहेगा उसमें हम टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइव टेंस है तो फाइव टेंस बराबर कितना हो जाएगा फिफ्टी, यहाँ थ्री तो थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री। फोर टेंस बराबर हो जाएगा फोर्टी, नाइन वंस बराबर नाइन तो हो जाएगा फोर टेंस बराबर फोर्टी, तो यहाँ फोर्टी लिख दिया, नाइन वंस बराबर नाइन तो नाइन फोर्टी नाइन। सेवन टेंस बराबर होता है सेवेंटी, सेवन टेंस बराबर सेवेंटी तो हम सेवेंटी कर दिए। फोर वंस बराबर फोर तो सेवेंटी फोर। थ्री टेंस बराबर होता है थर्टी, थ्री टेंस बराबर थर्टी, वंस के बराबर फाइव, वंस बराबर फाइव तो थर्टी फाइव। एट टेंस बराबर होता है एट्टी, एट वंस बराबर एट एट्टी एट। इस तरह से आपका बन जाएगा, इस तरह से आपका बनेगा। जितना टेंस रहेगा उसमें हम जितना टेन से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ सिक्स टेंस है तो सिक्स टेंस में टेन से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटी, फाइव वंस है तो फाइव प्लस ये दोनों को हम जोड़ दिया था सिक्सटी फाइव। टू टेंस है तो टू से टेन से मल्टीप्लाई करें टेन टू या ट्वेंटी, फोर वंस था फोर लिख दिया था ट्वेंट में ट्वेंटी में फोर जोड़ दिए तो ट्वेंटी फोर। यहाँ पर आपका
समाप्त होता है बच्चों, इसको आपको बना के कॉपी में ग्रुप में डाल दीजिएगा, और साफ से बना के ग्रुप में आप लोग को इसको डाल देना है।